गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो है मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन द आउटसाइड ऑफ ए स्मूथ वर्टिकल सर्किल। अपने एक स्मूथ एक त्रिज्या का अपने एक स्मूथ वर्टिकल सर्किल लेते हैं। ए इसका हाईएस्ट पॉइंट है, बी इसका लोएस्ट पॉइंट है। अपने एज्यूम करके चल रहे हैं कि हाईएस्ट पॉइंट ए पे जहां थीटा इक्वल टू जीरो है, पार्टिकल वेलोसिटी जीरो है, पार्टिकल को थोड़ा स्लाइटली अपने डिस्प्लेस करते हैं, उसके बाद में पार्टिकल इस स्मूथ वर्टिकल सर्किल के ऊपर स्लाइड फिसलना चालू कर देता है। अपने मान के चलते हैं कि पार्टिकल टी समय पश्चात बिंदु पी पे आ जाता है जहां एंगल पी ओ ए इक्वल टू थीटा है। उसके बाद में अपने एज्यूम करें कि मान लो पार्टिकल इस सर्किल को छोड़ देता है, तो पार्टिकल जैसे सर्किल को छोड़ेगा तो माना है कि बिंदु P पे यहाँ R क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन पार्टिकल वेलोसिटी है, इसलिए छोड़ने के बाद ये पार्टिकल गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करेगा और उस पर गति करने पर जो पार्टिकल का जो पथ होगा वो पैराबोलिक पथ होगा। तो यहाँ पे अपन पैराबोलिक पथ की इक्वेशन निकालेंगे और मान लीजिए कि पार्टिकल जो पैराबोलिक पथ है वो इस ये जो हॉरिजॉन्टल जो सर्किल का डायमीटर है उसके पैरेलल जो लाइन BC है उस पर मान लीजिए कि सी बिंदु पे आके मिलता है। यहां बिंदु पी पे जब पार्टिकल सर्किल को छोड़ेगा तो उसकी वेलोसिटी होगी, तो अपन उस वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहेंगे। और यहां पर दो एक्सटर्नल फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक तो बिंदु पी पर सर्किल का जो रिएक्शन है वो काम कर रहा है जो कि उसके जो नॉर्मल एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, और एक दूसरा पार्टिकल वेट है mg है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में कार्य कर रहा है। सपोज हम ये भी मान लेते हैं कि पी एक्स है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और पी आई यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस है, तो पी को अपन एक तरीके से ओरिजिनल यहाँ पे मान के इसको दिस इज द पी एक्स इज द एक्सिस एंड पी वाई इज द वाई एक्सिस, दिस इज पी वाई इज द वाई एक्सिस। बिंदु पी पर यहाँ पे दो प्रकार के एक्सेलरेशन काम कर रहे हैं, एक तो टेंजेंट के अलोंग और एक पी ओ नॉर्मल के अलोंग। सबसे पहले अपन बिंदु पी पर कण की स्पर्श रेखा के अनुदिश गति समीकरण, दिस इज एम वी डीवी बाई डी एस इक्वल्स टू वेट एम जी है उसका टेंजेंट के लोग ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो दिस इज mg cos 90 माइनस थीटा प्लस दिस इज r cos 90 के टेंजेंट के अलोंग अपन क्या कर लेंगे, दोनों एक्सटर्नल फोर्सेस का रिजल्ट पार्ट निकाल लेंगे। तो दिस इज mv, दिस इज dv बाय ds इक्वल्स टू mg sin थीटा, बट वी नो दैट फॉर द सर्कल सिंस s इक्वल टू a थीटा तो दिस कैन बी रिटन दैट ds इक्वल टू a d थीटा। यूजिंग दिस रिलेशन इन दिस इक्वेशन देन वी हैव m v dv ds इज a d थीटा, दिस इज mg sin थीटा, m इज एम कैंसिल आउट, दिस कैन बी रिटन एज v dv इक्वल्स टू दिस इज ag sin थीटा। On integrating, we have this is v dv equals to this is ag integral of sin theta d theta. After integrating, we have this is v square by 2 equals to this is minus ag cos theta plus c1, where c1 is the constant of integration. Now, to calculate the value of c1, we have initially at a we have this is theta equal to zero pe particle velocity zero hai, so therefore we are putting theta equal to zero, v is zero, so therefore c1 equals to ag, c1 ki value isme substitute kar denge, after substituting the value of c1 we have this is 2 ag into 1 minus
कोस थीटा वी स्क्वायर टू ए जी इंटू वन माइनस कोस थीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन वी एंड थीटा। इस रिलेशन से अब थीटा के इसी मान पे पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पार्टिकल यहां बिंदु पी पे सर्कल को छोड़ रहा है, तो वी कैन कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी एट द पॉइंट पी। नाउ वी हैव, अब अपन बिंदु पी पर कण की अभिलंब दिशा में गति समीकरण, अभिलंब दिशा में गति समीकरण, दिस इज एम वी स्क्वायर अपॉन रो। यहां रो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना, सर्किल रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, यहां इसकी त्रिज्या है, दैट इज ए इक्वल्स टू नॉर्मल एक्सेस के अलोंग दोनों अक्षों में फोर्सेस का रिजल्ट पार्ट निकाल लेंगे। दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो देयरफॉर दिस इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, तो देयरफॉर दिस इज mg cos थीटा। ये जो r है जो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, दिस इज r cos पाई, तो दिस कैन रिटन एज m v स्क्वायर बाय a इक्वल्स टू दिस इज mg cos थीटा माइनस r। नाउ वी हैव R equals to this is mg cos theta minus m by a, putting the value of v square from the equation first, we have this is 2ag into 1 minus cos theta, a is a cancel out, this is mg cos theta minus this is 2 mg plus 2mg cos theta. This can be written as this is 3mg cos theta minus 2mg. This is r. This is the required relation between theta and r. Theta एक इसी मान पे अपने सर्किल की जो रिएक्शन हो ज्ञात कर सकते हैं। अपने एज्यूम करके चल रहे हैं कि बिंदु P पे पार्टिकल सर्किल को छोड़ देता है, इट मीन्स एट द पॉइंट पी आर इज जीरो। नाउ वी हैव देयरफॉर यदि देयरफॉर एट द पॉइंट पी आर इक्वल टू जीरो, तो हैंस From second we have r is 0, so therefore 3 mg cos theta minus 2 mg equals to 0, mg mg cancel out, therefore we can say cos theta equals to 2 by 3, cos theta equal to 2 by 3, this is the relation number 3. कोस थीटा की वैल्यू यदि अपन समीकरण एक पे पुट कर देंगे तो बिंदु पी पे पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो बिंदु पी पर अतः बिंदु पी पर कण का वेग, दिस इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इज 2ag 1 माइनस कोस थीटा इज दिस इज 2 बाय 3, दिस इज 2ag इनटू दिस इज 1 बाय 3 विच इज 2ag बाय 3। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट ए, दिस इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इज 2ag बाय 3। सपोज दिस इक्वेशन नंबर 4। Now we have to write the equation of parabolic path. तो मूल बिंदु P के सापेक्ष परवलीय पथ का समीकरण, this is y equals to
ये इक्वेशन होता है नॉर्मली y इक्वल टू एक्स टेन एल्फा प्लस जी एक्स स्क्वायर अपॉन दिस इज टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा। पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन होता है जहां या प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन ये होता है, बट हियर एल्फा इज थीटा एंड यू इक्वल टू वी, तो देयरफॉर परवलय जो पथ का समीकरण है वो ये हो जाएगा, देयरफॉर परवलय पथ का समीकरण दिस इज y इक्वल टू एक्स टेन थीटा प्लस दिस इज जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू वी स्क्वायर दिस इज कोस स्क्वायर थीटा दिस टेन थीटा। हियर कोस थीटा इज टू बाई थ्री, देयरफॉर टेन थीटा इज दिस इज कोस थीटा इज टू बाई थ्री दिस इज थीटा दिस इज को टू बाई थ्री दिस इज टू बाई थ्री तो दिस इज अंडर रूट ऑफ फाइव, तो देयरफॉर टेन थीटा इज एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ फाइव बाई टू प्लस दिस इज जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज टू बाई थ्री ऑफ ए जी, वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर और कोस थीटा इज 2 by 3, तो देयरफॉर दिस इज 4 by 9। After simplifying, we have under root of 5 by 2 into x plus g cancel out. This is 2 into 2, 4, 4, 60. This is 27. अपॉन 16 ए इंटू एक्स स्क्वायर विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोलिक पाथ। इन द नेक्स्ट लेक्चर दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोलिक पाथ, वी कैन कैलकुलेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5 एंड तथा बीसी का जो समीकरण है दिस इज y इक्वल टू एन बी, दिस इज एन बी, एन बी मीन्स ओ एन प्लस ओ बी, हियर ओ एन इज दिस इज ए साइन थीटा दिस इज ए कोस थीटा तो दिस इज ए कोस थीटा प्लस ओ बी, ओ बी इज ए, putting the value of cos theta 2 by 3 this is a into this is 2 by 3 plus a this is 5 a by 3 this is equation number 6। bc और ये तो parabolic path c बिंदु पे intersect कर रहे हैं, ये जो distance bc है we will calculate this distance bc in the next lecture, because to calculate the BC first of all we calculate DC and BC is BD plus DC, तो इन दोनों का जो parallel path है 5 और 6 का जो point of intersection है वो अपन calculate करेंगे और उसके बाद में सीख के coordinates निकाल लेंगे, we will do it in the next lecture, thank you, have a nice day।